हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी ठीक ही होंगे, क्योंकि आज है नया साल और आज जो है हम सभी लोगों की लाइफ से एक साल कम हो चुका है, कम हो गया है। और आज जो है नए साल की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और हमारे चैनल पे जो दिलीप दीप ब्लॉग्स चैनल है मेरा, और जितने भी हमारे भाई लोग हैं, उनको सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। और आज मैं और राहुल भाई दोनों लोग मतलब नए साल थोड़ा बहुत इन्जॉय किया और कुछ चीज़ें ली हैं और एक दो रजिस्टर लिए, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट हैं तो स्टडी वाला ही सामान ज़्यादातर खरीदेंगे नए साल पे। और बस यही आशा है आप सभी से कि लाइफ में तरक्की कीजिए। और अभी राहुल भाई से भी मिलवाते हैं, राहुल भाई भी हमारे कुछ बताएंगे आप सभी को। और आज जो नया साल है वो आप सभी लोगों की लाइफ में जो है हमेशा खुशी रहे। तो राहुल भाई क्या बोलोगे? हेलो गाइस, हैप्पी न्यू ईयर, कैसे हो आप लोग? तो आशा करता हूँ आप लोग ठीक ही होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज न्यू ईयर है, तो ज़िंदगी का एक और साल कम ही हो गया है। देखिए, मैं तो स्टूडेंट हूँ, तो शायद मैं तो यही बात कहूँगा कि आप लोग भी जितने भी स्टूडेंट हैं बाहर रह के पढ़ाई कर रहे हैं, वो अपनी स्टडी पर फोकस करें। और कई सारे मेरे दोस्त हैं जो जिनका इस साल सिलेक्शन हो गया, गवर्नमेंट जॉब लग गई है, तो मैं भी गवर्नमेंट की जॉब की ही प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो आप लोग भी जितने स्टूडेंट हैं वो करते रहें, अपनी स्टडी पर फोकस रखें। और अगर पिछले साल नहीं भी सिलेक्शन हो पाया तो डोंट वरी, टेंशन मत लीजिए, इस साल होगा आप लोगों का सिलेक्शन। तो मैं कर रहा हूँ, फिलहाल मेरा भी नहीं हो पाया है, तो नेक्स्ट ईयर फिलहाल कोशिश करूँगा कि हो जाए मेरा, जहाँ तक कि कोशिश करूँगा निकालने की एग्ज़ाम। आप लोग भी ट्राई करते रहिए, आप लोगों का भी सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे कि मेरे कई फ्रेंड हैं जिनका हो गया है, किसी का रेलवे में हुआ है, किसी का एसआई में हुआ है, किसी का यूपीपी में हुआ है। तो आप लोग भी ट्राई करते रहिए, और मैं भी कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम कोई ना कोई तो निकालना ही है, ये तो मतलब मैंने खुद से इस साल। तो आप लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा, आप लोग भी स्टडी करते रहिए, जितने भी लोग हैं स्टडी कर रहे हैं बाहर रह के, जो भी हैं या गांव में कर रहे हैं, जहाँ भी कर रहे हैं आप लोग, और पूरा जुनून के साथ में लगिए आप इस साल की। आज कोई ना कोई एग्ज़ाम फोड़ना ही है, जैसे कि मैंने आज खुद से प्रोमिस किया है कि मुझे इस साल कोई ना कोई एग्ज़ाम क्रैक ही करना है, चाहे कोई भी हो, ग्रुप डी से लेकर आईएएस तक छोड़ूंगा नहीं कोई भी एग्ज़ाम, कोई ना कोई तो अचीव क्रैक करके ही रहूँगा इस साल। और मैंने प्लान भी, पूरी प्लानिंग भी कर ली है इस साल, पूरी तरह से डायरी के साथ में प्लानिंग की है। सो आप लोग भी करिए। 5 से 10 दिन पहले रिजल्ट निकला था ग्रुप डी का, जो कि दिसंबर में ही निकला, और हमारे मनीष भाई का सिलेक्शन भी हो गया। मतलब रिजल्ट जो है उनका सिलेक्शन ही समझे। और बाकी जैसे ऐसा है कि जो भी मेहनत कर रहा है वो आगे निकल रहा है, हम भी कोशिश करते हैं, कर रहे हैं, किस्मत है अपनी अपनी और मेहनत भी है अपनी अपनी। तो जितने भी हमारे मतलब दोस्त हैं, हमारे सब्सक्राइबर, वो हमारे दोस्त ही समझे हैं, क्योंकि हम उम्र के ही लोग हैं। तो उन्हें मतलब यही बताना है कि बस लाइफ में जो है संघर्ष तो है, और आज नया साल है, इन्जॉय कीजिए, कल से अपने काम पे लग जाइए। और अभी जो है हम जो लेके आए हैं, ये देखो अभी आपको दिखाते हैं, ये आज स्टडी रजिस्टर। और बस यही जो भी है। और दोस्तों, राहुल भाई और कुछ भी आप, और थोड़ा कुछ आप लोगों से कहना चाहते हैं तो राहुल भाई? तो यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपने गोल है जो आप लोगों का, उस पर फोकस कीजिए। और आप लोगों को इस साल मतलब डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है किसी भी चीज़ से लेकर, चाहे वो मतलब कोई आपको नेगेटिव बोल रहा हो या कुछ भी बोल रहा हो, आप लोग डिस्ट्रैक्ट मत होइए, बिल्कुल भी मत होइए। चाहे कोई आपका पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, या फिर कोई लड़की भी हो सकती है, मतलब एक बात हमेशा याद रखिए कि आप अगर लाइफ में सक्सेस होंगे तभी आपको लड़की मिलेगी और इज्जत मिलेगी, चाहे वो समाज से हो या घर से हो, कहीं से भी हो। और लड़कियों का है क्या है यार, लड़कियां तो आती जाती रहती हैं यार। आप अपने गोल पर फोकस रखिए, कई लड़कियां मिलेंगी यार, कोई टेंशन नहीं है। एक ही बात कहना चाहता हूँ, फोकस ऑन योर गोल्स, यू विल गेट मैनी गोल्स।
तो यही कहना चाहता हूँ, आप लोग अपने गोल पर फोकस करते रहिए और लड़कियों का कोई डिस्ट्रैक्शन, किसी भी प्रकार का डिस्ट्रैक्शन को, चाहे लड़की हो चाहे वो फैमिली प्रॉब्लम हो, आप बिल्कुल अपनी स्टडी पर फोकस करिए। आप लोगों का सिलेक्शन ज़रूर होगा इस साल। मैंने तो मतलब इस साल सोच लिया है कि कोई ना कोई एग्ज़ाम क्रैक करना ही करना है। और आप लोग भी अपना ड्रीम अचीव कीजिए, जो भी आप लोगों के लाइफ में सपने हैं, जो भी ड्रीम देखा है आप लोगों ने, तो ये कहना चाहता हूँ आप अपने सपने के पीछे भागिए। तो दोस्तों आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर फिर से दोबारा, और मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए धन्यवाद। यही